टॉपिक के ऊपर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए, दो गुना बच्चे लेने हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि पीईटी में जो दो गुना बच्चे लेने हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के होंगे, यानी कि अगर आपके 60,000 वैकेंसीज हैं तो 1,20,000 बच्चे वो लेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसके साथ साथ रेलवे रिजर्व करता है सारे राइट्स इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ये पास करना है आपको, इसके कोई मार्क्स नहीं है, यानी कि फाइनल मेरिट आपकी बनेगी सीबीटी 1 के ऊपर, इसके कोई मार्क्स नहीं है। इसके पूरी तरीके से इसको क्वालिफाई नेचर का रखा गया है, और जो क्राइटेरिया रखा गया है मैन और वुमेन का वो कुछ इस प्रकार है। मेल कैंडिडेट्स को 35 kg का वेट लेकर 100 meters तक जाना है 2 मिनट में, यानी कि 100 meters का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 मिनट में 35 kg वजन अपने कंधों पर रखकर, और उसके बाद तुरंत बाद स्टूडेंट्स 1000 meters की आपकी रेस होगी 4:15 की। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस में होता है, आपको बिल्कुल गैपिंग नहीं दी जाएगी, आपको मतलब सुस्ताने का मौका नहीं दिया जाएगा। तुरंत ये रेस होगी, उसके बाद तुरंत ये दूसरी रेस हो जाएगी। जितने बच्चे बाहर निकलते जाएंगे उसको बाहर निकालते जाएंगे वहाँ से वो। तो ये बहुत ही कंटिन्यूस में होता है, तो यहाँ पर इसको लाइटली मत लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। 37-38 kg का वजन उठाकर 200 meters का टारगेट रखिए 2 मिनट में, और दौड़ते रहिए 1000 meters। तो 4:15 में आप आराम से चले जाएंगे, क्योंकि 4:15 में अगर आप नॉर्मल भी चलते हैं तो भी आप 500-600 meters चल लेते हैं, लेकिन 1000 meters के लिए हल्का सा तेज चलेंगे तो 1000 meters हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 35 kg का वजन 100 meters तक ले जाना 2 मिनट में, ये दिक्कत है, क्योंकि कई बच्चे एक फिजिक इतनी अच्छी नहीं होती और वहाँ पर यहाँ दिक्कत कर सकता है। तो 35 kg का वजन उठा के प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ देखिए, फीमेल्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है मतलब जो किलोमीटर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए टाइम बढ़ा दिया गया है, 1000 meters आपको करना है 5:40 के अंदर। तो 1000 meters आपको 5:40 में करना है, और यहाँ पर देखिए जो वेट है वो भी घटा के कर दिया गया है 20 kg। 20 kg का वजन 100 meters तक आपको लेके जाना है 2 मिनट के अंदर। तो वो लड़कियों के लिए भी मैं बोलूँगा कि ये प्रैक्टिस करते रहिए। अब स्टूडेंट्स बच्चे पूछ रहे थे कि फीमेल की क्या ये लड़कियों के लिए जॉब सही है, तो मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, ट्रैक मेंटेनर की जॉब लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको ट्रैक मेंटेनर ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलेक्शन होता है तो ट्रैक मेंटेनर आपको नहीं दिया जाता है, आपको दूसरे काम करवाए जाते हैं, लेकिन ट्रैक मेंटेनर की जो जॉब है वो डे और नाइट दोनों की होती है। तो आपको दिन में दी जाएगी जॉब, या फिर आपको रेलवे इस बात का ध्यान रखता है कि फीमेल्स को रात में काम ना करवाया जाए कहीं पर भी, वो उन्हें दिन की शिफ्ट में देता है, चाहे वो गार्ड ही क्यों ना हो। गार्ड में भी रेलवे ये सुनिश्चित कर लेता है कि लड़कियों को रात में काम ना करना पड़े, या वो जहाँ काम करें वो सेफ़ हो। ज़्यादातर उनको डेस्क जॉब दी जाती है, तो ग्रुप डी के अंदर उनको DRM ऑफिस में भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं रेलवे के अंदर लड़कियों के लिए। तो लड़कियां ये मत सोचें कि वो ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे आएंगी तो वो ट्रैक मेंटेनर का ही काम करेंगी, क्योंकि रेलवे के अंदर कई ऐसे गर्ल्स हैं जो कि डिफरेंट पोस्टों पे हैं, लेकिन फिर भी वो काम अपने डिपार्टमेंट का ही कर रही हैं, और मतलब डे जॉब कर रही हैं। तो लड़कियों के लिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर है रेलवेज़ के अंदर, तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। इसके साथ साथ लेकिन प्रैक्टिस अपनी करती रहिए, क्योंकि क्वालिफाई तो आपको करना ही करना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का मेडिकल अनफिट हैं और यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है CBT के बाद। वो ऐसे कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होगा, और मेडिकल एग्जाम पास कर लेते हैं तो वहाँ पर वो सिलेक्शन ले सकते हैं ग्रुप डी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ डाउट्स जो मुझे बताने थे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।